इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है रायपुर से। कांग्रेस का प्रदर्शन, बदहाल कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस और एनसीआई के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, गृह मंत्री निवास का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झूमा झटकी। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा, एनएसयूआई अध्यक्ष नीरज पांडे प्रदर्शन में मौजूद है। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर दिखाई पड़ रहा है। एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। राजधानी रायपुर का एक कालीबाड़ी चौक है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो यूथ है उसके कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो तमाम लोग पहुंचे हुए, और साथ ही जो बड़ी संख्या में जो लोग है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। आप देख सकते हैं महिला मोर्चा के कांग्रेस के कार्यकर्ता समेत तमाम जो लोग है वो यहाँ पर पहुंचे हुए, और साफ तौर पर इनका जो प्रदर्शन है वो देखा जा रहा है। क्या कुछ इनकी मांगे है, किस वजह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, सीधे इन लोगों से चर्चा करेंगे, इनसे भी चर्चा करके जानेंगे कि इनका किस वजह से प्रदर्शन हो रहा है, किस वजह से प्रदर्शन। आप लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में आपराधिक मामले बढ़ गए हैं। बलौदा बाजार की घटना सबसे बड़ी घटना है। जिस तरीके से बलौदा बाजार में अहिंसात्मक घटना हुई है, गृह मंत्री जी कर क्या रहे हैं आप मुझे बताइए? कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं? जब से बीजेपी की सरकार आती है यहाँ पर मामले आपराधिक गतिविधि बढ़ जाती है, और वहीं कांग्रेस की जब हमारी सरकार थी देख सकते थे कि इस तरीके की घटना कभी नहीं हुई है जो अभी हुई है। लगातार प्रदर्शन जारी है, क्या स्थिति लग रही है? देखिए, युवा कांग्रेस पार्टी के द्वारा गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई है। जिस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रहा, मैं समझता हूँ उसके पहले कभी नहीं हुआ। आप डकैती, हत्या और बलात्कार की घटनाओं को देखेंगे तो लगातार बढ़ रही है। युवा कांग्रेस के साथियों ने आह्वान किया है गृह मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। तो रोक दिया गया है यहाँ पर प्रदर्शन। ये पुलिस अपराध को तो रोक नहीं पा रही, ये अपराधियों को तो पकड़ नहीं पा रही, लेकिन युवा कांग्रेस और महिला बहनें आंदोलन करती हैं तो उनको खदेड़ने का काम, उनको लाठी चार्ज करने का काम ये कर रही है। लाठी चार्ज किया गया, हमारे साथियों को लाठी से मारा गया। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी, गृह विभाग विफल है नैतिकता के आधार पर। गृह मंत्री विजय शर्मा जी को इस्तीफा देना चाहिए। आने वाले समय में गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि किस प्रकार से जो अपराध हो रहे हैं उस पर काबू जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की वो नहीं पा रही है। इसी वजह से इस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में किस प्रकार से प्रदर्शन होते हैं और क्या कुछ आने वाले समय में प्रदर्शन मोड़ लेता है। कैमरामैन अविनाश के साथ दामिनी बंजारे, INS 24/7 रायपुर।